शुक्रिया। ख्वातीनों हजरात सलाम, मैं हूँ वजाहत मलिक और एक बार फिर मैं निकला हूँ, शायद पहली बार, दुनिया भर के सूफी बुजुर्गों की दरगाहों और खानगाहों की जियारत के सफर पर। एंड आई वांट यू टू कम अलोंग विद मी। तो आइए चलते हैं। और मेरे इस तवील सफर का पहला मुकाम है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में मुंबई और मुंबई में पीर हाजी अली शाह बुखारी की दरगाह। दरगाह है हाजी अली शरीफ। दरगाह हाजी अली दुनिया की वाहिद ऐसी दरगाह है जो पानी पर बना है। पूरा दिन तूफानी लहरों से मुकाबला करती हुई इस दरगाह की इमारत पानी पर तैर तो नहीं रही, लेकिन समंदर के सीने पे कदम जमाए ये वर्षों से खड़ी है। दरगाह पर सलामे अकीदत पेश करने से पहले जाहिरीन को इस राह गुजर पर चलना पड़ता है जो दोनों तरफ से समंदर से घिरी हुई है। ये राह गुजर चांद के आसमानी सफर के मुताबिक लो टाइड और हाई टाइड का शिकार होती है। जब हाई टाइड होती है तो पानी चढ़ जाता है और तब ये इतना चढ़ता है कि राह गुजर डूब जाती है मुकम्मल तौर पर। मगर कुदरत के कानून के मुताबिक लो टाइड पे समंदर का पानी पीर हाजी अली की कदमबोसी करने और इस दरगाह की मरमरी सीढ़ियों को चूमने के बाद वापस लौट जाता है। और ये एक ऐसा मुअज्जा है जिसने पीर हाजी अली की दरगाह को और पीर हाजी अली को समंदर का शहंशाह बनाकर पूरी दुनिया में मकबूलियत दी। मुंबई को सात अजूबों का शहर भी कहा जाता है और अपनी मुनफिक लोकेशन की बिना पर पीर हाजी अली की दरगाह को इन सात अजूबों में से एक अजूबा मुंतफिक किया गया है। जाहिरीन के लिए इस दरगाह के दरवाजे सुबह 5:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक खुले रहते हैं। संगमरमर से तामीर करदा इस इमारत के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते ही एक अजीब रूहानी कैफियत का एहसास होता है, एक समा सा बन जाता है। महफिले समा ये कव्वाली पीर हाजी अली शाह बुखारी के नजराने में पेश की जा रही है। ये दरगाह तकरीबन 4,500 स्क्वायर मीटर के रकबे पर फैली हुई है और ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई तकरीबन 85 फुट है। अपनी इस हाइट की वजह से ये मीनार बहुत दूर से ही लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाता है।
और जब एक मुअज्जिन इस मीनार पर खड़े होकर अजान देता है तो उसके अजान की आवाज की गूंज पूरे मुंबई शहर में सुनाई देती है। इस मजार में संगमरमर से काम किया गया है। छत पे शीशे के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनके रिफ्लेक्शन में अल्लाह के 99 नाम नजर आते हैं। फिजा में एक फूलों की खुशबू रची बसी हुई है। एंड आई कैन फील दैट द स्पिरिट ऑफ हाजी अली बाबा इज अलाइव। हाजी अली की दरगाह में औरतों और मर्दों को अलहदा अलहदा रखा जाता है। औरतें एक मुख्तलिफ दरवाजे से दाखिल होती हैं और यहाँ पे खड़े होकर अपनी मन्नत और दुआ मांगती हैं। और मर्द अलहदा खड़े होकर अलग से यहाँ पे अपनी मन्नत और दुआ मांगते हैं। यहाँ पर आकर एक अजीब सा रूहानी सुकून मिलता है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लोग यहाँ पे मन्नतें मांगने आते हैं और वापसी पर एक तसल्ली और भरोसा लेकर जाते हैं। खैर, एक बात मैं आपको बताना ही भूल गया। पीर हाजी अली शाह बुखारी का उर्स हर साल 16 रबीउल अखीर को यहाँ बड़े अकीदत और जोशो खरोश से मनाया जाता है। दुनिया के कोने कोने से बुजुर्गाने दीन तबलीगे इस्लाम के लिए हिंदुस्तान का रुख किया। कोई गैर की आवाज सुनकर आया तो किसी को ख्वाबे हुक्म हुआ, किसी को तालीम खींच कर लाई और कोई अपने रूहानी ताकत के इशारे पर यहाँ पर आया। इसी सिलसिले के एक किरदार सेंट्रल एशिया के शहर बुखारा के रहने वाले पीर हाजी अली शाह बुखारी थे, जो की तबलीगे इस्लाम के लिए हिंदुस्तान में आए और फिर यही के होके रह गए। आगे मैं आपको हिंदुस्तान के किसी और बुजुर्ग के मजार की जियारत करवाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। Yeah.
मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, ये बड़े भाई ने इनसे जो है खाना बाद में खा लेना, ये शरीयत की बात है तो पहले आपको बताना फर्ज है ताकि लोगों को मैसेज जावे कि अच्छा क्या बुरा क्या है। खाना छोड़ के खाना बाद में भी खा सकते हैं, आपको मालूम ज़्यादा है तो कैमरे के ऊपर आपको बोलने में हर्ज क्या है। खाना बंद करके 5 मिनट आप बोलिए क्या है, अगर हमसे ज़्यादा मालूम आपको है। देखिए हमारी नज़र में बोलना नहीं चाहते हैं, ये खाली आउट ऑफ लोगों के बोलते हैं, मतलब पर्दे के पीछे बोलते हैं, एक दो लोगों के दरमियान बोलते हैं, आम लोगों के दरमियान नहीं बोल पाते हैं ये। हमारे हिसाब से तो हालांकि हमको इतनी मालूम नहीं है, कानून जो है जो शरीयत तो 100 साल पहले छप गया, जो कानून बदल रहा है, बोलो बोलो, आज जो कानून बदल रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। शरीयत के कानून में, कुरान में सब चीज़ आ गया है। जब बच्चा माँ के पेट में आता है उस दिन से लेके मरने तक और मरने के बाद तक हर चीज़ का खुलासा हो गया, एकदम खास एकदम खोल के कुरान में सब चीज़ आ गई। जो चीज़ रह गई है वो हदीस से साबित है, हदीस जो आका अलैहि सलाम ने बोला करने के लिए और जो उन्होंने किया वो हदीस बन गई। लेकिन और कुरान आजकल हाँ, फेर बदल है, जो हज कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहते हैं कि हदीस एक ही है जो मस्जिद हाँ, में हाँ जो हदीस एक ही है। अभी आज कितने फितने हो गए, कितने फिरके हो गए, अगर सही हदीस चाहिए तो आप बरेली शरीफ में जो हदीस चलती है उस चीज़ को फॉलो कीजिए और वही सही है, वही सच है। और जितने और लोग जो सऊदी वगैरह से आते हैं, अब आज देखिए अफ्रीका में एक नया काबा बन गया है, मालूम है अफ्रीका में एक नया काबा बन गया है, अब लोग वहाँ जाके तवाफ करते हैं, वो जो कि नाजायज़ है, हराम है, शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ में है। आपने सुना कभी ये एक काबा देखो बना है अफ्रीका में, अब लोग वहाँ जाने लग गए हैं 45 किलो पीछे। और शरीयत का कानून आज से 1500 साल पहले सब आ गया है, तो आप क्यों इसको हराम मानते हैं कि वहाँ पे आप, ये तो एक अच्छा होना चाहिए कि वहाँ पे काबा खुला तो लोग और वहाँ पर आएंगे। नहीं, यही तो बात है, शरीयत के कानून में इसलिए बता दिया गया, शरीयत का कानून इसके इसी के ऊपर है। जो शरीयत के कानून में, मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चा माँ के पेट में आया, वो आने से पहले, आने के बाद, पैदाइश और मरने के बाद, और मरने के बाद में भी हर चीज़ का खुलासा आ गया है कुरान में और हदीस से साबित है। तो हम कौन होते हैं कि उसको रद्द बदल करने के लिए। तो आप इस बात को पूरी तरीके से जायज़ मानते हैं कि कुरान एक है, काबा एक है, अल्लाह एक है, हाँ, और उसी चीज़ को फॉलो हाँ, करना चाहिए। अब ये दूसरा काबा बनाने से क्या मतलब है, ये शरीयत और कुरान की रोशनी में नाजायज़ है, हराम है, और जो लोग ये कर रहे हैं वो इस्लाम के अगेंस्ट है। अच्छा, आते हैं हम इस बात पर कि जो हाजी अली में औरतों को परमिशन मिली है उस पर आप क्या सोचते हैं। बता दिया ना मैंने, एक बच्चा जब माँ के पेट में आता है उसके लिए हाँ हराम है वो, औरतों का जाना हराम है। और जाएंगे नमाज पढ़ेंगे तो हाँ, तो नमाज के लिए थोड़ी हराम, नमाज तो जायज़ है, नमाज तो 5 टाइम फर्ज है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन औरतों का मस्जिद में पढ़ना जायज़ नहीं है ना। औरतों की मस्जिद अलग है ना, जमात के साथ में नाजायज़ है। जो आका अलैहि सलाम ने उस वक्त जो जायज़ करार दिया वो आज तक चला आ रहा है, ये आज नए फितने पैदा हो रहे हैं। लेकिन जो लोग पूरी तरीके से कुरान को फॉलो करते हैं हाँ, उनका कहना है कि औरतें हमेशा से घरों में नमाज पढ़ती हैं हाँ, वो वहीं पे पढ़े, अब अचानक से मस्जिद में पढ़ने का क्या लॉजिक। तो मस्जिद में जाके पढ़ सकती हैं, उनके लिए जमात नहीं है, मर्दों के लिए जमात है, औरतों के लिए जमात नहीं है। जमात का जो सिस्टम है वो मर्दों के लिए है। ये दरगाहों पर जाना हराम है, शरीयतन हराम है, आज नहीं हराम करार दिया गया, ये 1500 साल पहले सब हराम दिया गया। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे मज़हब के हिसाब से, हमारी शरीयत और हमारे कुरान के कवानीन के हिसाब से, किसी भी धर्म की औरत को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सरदार सिख भाई हो हमारे, चाहे हमारे हिंदू भाई बहनें हों, किसी भी धर्म की औरत को, लेडीज़ को, मुसलमानों के औलिया किराम की दरगाह पर जाना मना है, सख्ती के साथ मना है। अगर उसके बावजूद भी अगर वो जाती हैं तो वो गुनहगार होती हैं, अल्लाह की नज़र में गुनहगार होती हैं। और जिस मज़ार पर, जिस औलिया किराम की दरगाह में औरतें जाती हैं, औलिया किराम वहाँ से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं औरतों से। और कुरान शरीफ के और इस्लामी शरीयत के कानून के एतबार से
کیا کہتے ہیں کہ مسلمان ہو، ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، کرسچن بھائی ہو، پارسی بھائی ہو، کسی بھی دھرم کی عورت کو پورے ہندوستان میں مزار پر جانا منع ہے۔ ابھی آپ سوال یہ پوچھیں کہ جو ہے اب مثال اس لوگ آتے کیوں ہیں، مسلمان عورتیں بھی آ رہی ہیں اور ہندو عورتیں بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے تو غلط کر، اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں۔ دیکھیے اسلام میں شراب پینا حرام ہے، اسلام میں شراب پینا حرام ہے، سختی کے ساتھ میں حرام ہے، اس کے باوجود بھی کچھ مسلمان حضرات جو ہیں وہ شراب پیتے ہیں۔ تو جو قانون اپنی جگہ قائم ہے آپ اس کو فالو کریں تو اللہ کے نزدیک ہوں گے، اور اگر اس کو آپ فالو نہیں کریں گے تو اللہ کے نزدیک آپ گنہگار ہوں گے، اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا اور وہ کیا کہتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ وہ ساری عورتیں جو اس بات سے بہت ہی خوش ہیں کہ حاجی علی درگاہ میں ان کو جانے کی پرمیشن مل گئی ہے، تو اس پہ آپ ان ساری عورتوں کو کیا سندیش دیں گے؟ دیکھیے وہ جو میں نے کیا کہتے ہیں کہ بامبے ہائی کورٹ کے نے جو ہے قانون پاس کر دیا ہے، سپریم کورٹ نے بھی اسی قانون کو فالو کیا ہے، پرمیشن دے دی ہے، تو ہائی کورٹ کا قانون اپنی جگہ ہے اور سپریم کورٹ کا قانون اپنی جگہ ہے، لیکن میں خاص طور پر ان مسلمان عورتوں سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ آپ کو جو ہے وہ شریعت کا باریکی سے، قرآن شریف کا باریکی سے مطالعہ کریں، اور آپ دیکھیں کہ قرآن شریف میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کہیں پر بھی آپ نہیں پائیں گی کہ عورتوں کو مزارات پر جانا یا قبرستان میں جانا جائز آپ نے ٹھہرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز ٹھہرایا۔ میری ماؤں اور بہنوں سے جو یہ خوش ہیں اس کیا کہتے ہیں کہ جیت سے، اس میسج سے، اس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آرڈر سے، جو یہ میری بہنیں اور میری مائیں جو خوش ہیں کہ ہم کو جانے کا موقع ملا، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ باریکی کے ساتھ میں اسلام کو فالو کریں، قرآن شریف کو اور حدیث کو فالو کریں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کہیں پر بھی قرآن شریف سے یا حدیث سے یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کو مزارات اولیاء پر جانا جائز ہے، تو میں کیا کہتے ہیں کہ اپنی زبان اور اپنے الفاظ کو میں واپس لیتا ہوں۔ آپ گہرائی کے ساتھ میں، چند عورتیں ایسی ہیں جو مطلب یہ خوش ہیں، چند مسلمان عورتیں ایسی ہیں جو خوش ہیں کہ عورتوں کے لیے جو ہے ہائی کورٹ نے پرمیشن دے دی ہے، سپریم کورٹ نے پرمیشن دے دی ہے کہ عورتوں کا مزارات اولیاء پر، درگاہوں پر جانا جائز ہے۔ ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا جو کیا فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو، ہم عورتوں کو، ہم بھائیوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی شریعت میں جھانکنا چاہیے، اللہ اس کے رسول کو، رسول کے قانون کو فالو کرتے ہوئے ہم کو گہرائی سے جا کر کے کہ کیا صحیح ہے، کیا صحیح فیصلہ ہے ہمارے لیے صحیح فیصلہ، کیا ہم کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ میری ان ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ نہ جائیں تو بہتر ہے، اور یہ اور جو ہماری جو کیا کہتے ہیں کہ دینی معاملات ہمارے ہوتے ہیں اسلام مسلمانوں کو لے کر کے اور اسلام کو لے کر کے، اس کا جو حق ہوتا ہے، اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قاضی شریعت، جو قانونی طور پر جو ہمارا ایک ادارہ ہوتا ہے، علماء کونسل ہے آپ لے لیجئے، یا کیا کہتے ہیں کہ قاضی شریعت لے لیجئے، یا کیا کہتے ہیں کہ جو اسلام کے اندر بڑے بڑے ودوان عالی مفتی وہ جو ہیں ان کو آپ لے لیجئے، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ محمد جی، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر عورتیں پوری طریقے سے اسلام کو اور قرآن کو اور حدیث کو فالو کریں تو شاید انہیں خوش ہونے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کو درگاہ میں جانے کی پرمیشن ملی ہے، پابندی ہٹ گئی ہے، وہ پوری طریقے سے اسلام میں نہیں ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک دا ویڈیو، شیئر دا ویڈیو، سبسکرائب دا چینل ویب دھماکہ ٹی وی۔
वेलकम टू आवर चैनल वेब धमाका टीवी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो डोंट टेक इजी विद आपकी होस्ट एंड दोस्त पिंकी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन दोस्तों हम इंसानों ने ही मजहब के नाम पे आपस में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर रखी है कि हम खुद नहीं जानते। दोस्तों जब भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने और वाहेगुरु ने ये दीवार हम इंसानों के बीच खड़ी नहीं की, तो फिर आप और हम धर्म के ठेकेदार कौन होते हैं इस दीवार को खड़ी करने वाले। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ मुद्दों पर, फिर चाहे वो मुद्दा 3 बार तलाक देने का हो, या फिर हवाले के सरिये का हो, या फिर शनि देव के मंदिर में औरतों के जाने को लेकर हो, या फिर हवेली में औरतों की एंट्री को लेकर हो। आज हम बात करेंगे देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं से। जी सरकार है वो हज से आए, उनको यहाँ पर बसारा हो गए, आज 100-150 साल हो गए। साबिया जी हमें ये बताइए कि बॉम्बे में, मुंबई में हाजी अली ने औरतों को मस्जिद में जाने की परमिशन अभी से ऑर्डर मिला है, लेकिन जाने का तो चल रहा है कि शायद उनको जाने दिया जाएगा, आप क्या समझती है? जायज नहीं है। औरतों को मस्जिद में, दरगाह शरीफ में जाना मना है, और औरत जात कितने भी पाक साफ रहे और जात हमेशा नापाकी रहते हैं, और उसको छूने का, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, औरत जात को उसको छूने का कोई इजाजत नहीं है। इस्लाम में औरतों को और मर्दों को साथ जमा होना इस्लाम ने इजाज़त नहीं दिया, और उसकी वजह यह है कि शैतान हमेशा हर जगह से बहकाते हैं, तो इसलिए ऐसे पाक जगहों में औरत और मर्दों का जमा होना इस्लाम ने जायज नहीं किया। तो आपको लगता है कि औरतों को मस्जिद में जाना चाहिए? कुरान के साथ, कुरान से लिखा है
आपके हिसाब से गलत है? आप दीन में इस्लाम में हैं, आप मानती हैं? जी मानती हूँ। बाबा को या कुरान को? मैं हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म को मानती हूँ, मान के वो चलते हिसाब से, मेरे हिसाब से ये गलत है। औरत कभी भी पाक रहती रह नहीं सकती, भले बाहर नमाज पढ़ ले, दुआ मांग ले, जो भी उसके करना है बाहर फिर ले, बस नमाज नहीं पढ़ सकती है, ना अंदर ज़ियारत करने जा सकती है। तो आपके हिसाब से नाजायज है? आप भी मानती हैं कि अंदर मजार छूने की परमिशन औरतों को नहीं मिलनी? हाँ नहीं मिलना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इधर सब ऐसा ही बोलते, सब धंधे वाले ऐसा ही बोलते, ऐसा दूर से दर्शन होना चाहिए। हाँ वही अच्छा है। आप गई है अंदर? मैं अभी तक दरगाह पे गई मगर दरगाह मजार कभी नहीं छुए। जो शरीयत है वो शरीयत है। इस्लाम ने सिर्फ एक जगह औरत और मर्दों को साथ जमा होने की इजाज़त दिया और वो हरम शरीफ में काबे के पास। इस्लाम ने कि औरतों को बंद कमरे में ही अपने घरों में ही नमाज पढ़नी चाहिए। और आप आपका क्या सोचते हैं कि नमाज तो वहाँ पे भी होती है और इस पाक जगह में भी होती है, तो फिर ये ऐसा क्यों कि जायज़ नहीं है आदमियों के साथ? आदमियों के साथ नहीं पढ़ सकते, जायज़ नहीं है ना आदमियों के साथ नमाज, आदमियों के साथ जायज़ नहीं है। जमात के पीछे हम नमाज पढ़ सकते, औरतें आदमियों के पहले नहीं पढ़ सकते। आदमी की नमाज ख़त्म हो जाए उसके बाद औरतें हम नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है वो ऐसा दूर से, ऐसा झगड़ा भी हो जाएगा इधर हाजने में, ऐसा हो। जो मस्जिदों में आती हैं औरतें, उन लोग बहुत खुश हैं, तो आपको नहीं लगता कि मतलब वो भी तो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, तो वो किस किस इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? वो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं मगर हम दोनों को बचाना चाहते हैं। सब यकता नहीं है, कोई नेक मिल जाए, कोई बद नेक, कोई बुरी नीयत से आते हैं, अलग अलग किस्म। तो इस्लाम एक को नहीं देखते, सबको देखते हैं और अलग अलग के लोग मिलते हैं, तो इस वजह से उसको हमने शरीयत के तौर पर अलग करने का ये हुकुम है कि मर्द और औरत जमा नहीं हो सकती। जी, तो आपके हिसाब से परमिशन नहीं मिलनी चाहिए? अभी ऊपर दे दे कोर्ट में, लेकिन अभी ऐसा गरीब दे दे तो अलग बात है, अदरवाइज आप नहीं चाहती कि मिले? नहीं चाहे, नहीं होना चाहिए ऐसा। इसका कहना ये है कि अगर मस्जिद में भी नमाज पढ़ाई जाए तो आदमियों की नमाज खत्म होगी, उनको छोड़ के फिर औरतों को नमाज पढ़ाई जाए, अगर ऐसा ये कानून निकालना है तो, नहीं तो घरों में बैठ कर औरतों का नमाज पढ़ना ही अभी तक जायज है। और ये पर्सनल व्यू नहीं है, ये इनका कोई पर्सनल विचार नहीं है, ये कुरान के हिसाब से शरीयत के हिसाब से है, क्योंकि इसको शर्क माना जाता है। कुरान में तो साफ लिखा है अगर आप किसी और धर्म को मानते हो तो आप दीन में नहीं हो, ये गलत है। कुरान को आप गलत बोल रही हो? कुरान को नहीं बोल रही हूँ मैं, कुरान में लिखा हुआ है। इंसान की सोच को बोल रही हूँ गलत है। आपने बोला कि आप दोनों धर्मों को मानती है, तो मानती हूं। हदीस में नहीं लिखा है मगर ये जात धर्म आपके जैसा इंसान हमारे जैसा इंसान ने बना। लोगों का ये मानना है कि अगर आदमी ने तीन बार तलाक 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 बोल दिया तो तलाक हो गया, तो आप क्या सोचती हैं, सिर्फ तीन बार तलाक बोल देने से तलाक हो जाता है या इसके पीछे कोई प्रोसेस है और वो किस तरीके से होता है? जैसे निकाह होता है, निकाह हमारे उसमें निकाह हमें बेसिकली निकाह कराना पड़ता है काजी को बुलाकर, और जो तलाक होता है वो तलाक तीन मरतबा भले शौहर गुस्से में दे या खुशी से दे, और अगर तीन बार आपने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाकर उसके चेहरे पर आपने तलाक 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 तीन बार कह दिया तो तलाक हो जाता है। मतलब उसके सामने होना ज़रूरी है उसकी नज़रों में? हाँ, मतलब लोग कहते हैं कि फ़ोन पे तीन बार तलाक बोल दिया तो हो गया। नहीं, फ़ोन पर बोल दिया तो तलाक फ़ोन पर बोलने से नहीं होता है, उस औरत का सामने होना ज़्यादा उसके शरीर के हयात को आपके साथ होना ज़रूरी है, और उसमें भी एक टाइम पीरियड होता है? नहीं, ऐसा कुछ टाइम पीरियड तो नहीं होता, बट यस अगर आपने तीन मरतबा तलाक 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 कह दिया है तो उसके 40 दिन तक का उस औरत को
पर्दे में होना होता है, उसके बाद ही जो प्रोसीजर्स है वो फॉलो होता है। ये तो चलो ठीक है, शरीयत के हिसाब से है, कुरान के हिसाब से है, बड़े बुजुर्ग के हिसाब से है कि चलो तीन बार तलाक दिया हो गया, लेकिन आप आज की लड़की होने के नाते क्या समझती है, मतलब किस बेसिस पे तलाक ये जायज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए या आज के हिसाब से कैसा होना चाहिए तलाक? यस, बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हस्बैंड एक हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं उनमें झगड़ा तो होता ही है बेसिकली, और अगर हस्बैंड ने शराब पी ली या गुस्से में बीवी को मार दिया या कुछ कह दिया और गुस्से में उसने तलाक 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 तीन मरतबा कह दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो रूल चला है वो एक्चुअली गलत है, क्योंकि गुस्से में इंसान कुछ भी कह सकता है, बाद में फिर उसको रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कहा, बट एक बार ज़बान से निकल जाने के बाद वो वर्ड वापस आ नहीं सकती ज़बान पर। तो बेसिकली जो हो रहा है वो तीन बार तलाक का जो प्रोसीजर चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। नहीं हो के कैसा होना चाहिए, मतलब क्या आप सोचती कि काश ऐसा होता है, ये होना चाहिए? बेसिकली ये सोच के मसले हल किए जा सकते हैं, अगर आपके और मेरे बीच में अनबन चल रही है तो वी कैन सिट एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। सो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको तीन मरतबा तलाक 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 कह दिया और हमारा रिलेशनशिप हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, उसके प्रोसीजर्स होते हैं, वी कैन सिट एंड वी कैन टॉक अबाउट इट एंड हम उसका हल निकाल सकते हैं। ओके, तो शबनम का कहना है कि ये तीन बार तलाक का जो मुद्दा है वो हटा देना चाहिए और बैठ के मसले सुलझाने चाहिए। पसंद आया हो तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल वेब धमाका टीवी। दोस्तों वैसे तो हमारे देश ने हर क्षेत्र में बहुत तरक्की की है और तरक्की के मामले में हमारा देश विश्व में दूसरे स्थान पर है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि अभी भी वो एक जगह बाकी है जहां हमारा देश तरक्की नहीं कर पाया है, और ये मुझे पता चला जब मैं रूबरू हुई मुस्लिम औरतों से उनके विचार जानने के लिए। हमने जब भी उनसे बात करने चाहिए तो उनके हस्बैंड द्वारा उन्हें रोक दिया गया, कभी बात करके तो कभी इशारों से। दोस्तों मैं भी एक लड़की हूँ और मैं अपनी राय अपने विचार देने का पूरा पूरा हक रखती हूँ। इस देश की हर एक औरत हर एक लड़की को ये हक है कि वो अपनी राय अपने विचार पूरी तरीके से दे सके, जिस तरीके से मैं बड़ी ही बेबाकी से अपने विचार और अपनी राय देती हूँ। खैर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश इस क्षेत्र में भी बहुत जल्दी तरक्की करे और मुस्लिम औरतें हमसे रूबरू हो ना हो, हम आपसे रूबरू होते रहेंगे अगले कुछ और नए मुद्दों के साथ। तब तक आप देखते रहिए वेब धमाका टीवी।